मैं आनंद सर उन्नति एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे मैंने पहले तो लेक्चर जो था इस टॉपिक पे बन चुका था कि हम लोग का लाइफ प्रोसेस जो होता है वो उसका क्या इंट्रोडक्शन था, सारा कुछ बता दिया गया था। क्यों लाइफ प्रोसेस इस अर्थ के ऊपर कोई भी जीव के लिए जरूरी है, ये सारी बातें हम पहले के दो लेक्चर में बता चुके हैं। आज जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो एक लेक्चर, खास लेक्चर आप लोग के लिए होगा, क्योंकि टॉपिक का स्टार्टिंग इसी के अंदर यहीं से स्टार्ट होती है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर पहले भी बता दिया गया था कि एक जैव प्रक्रिया के लिए यानी कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसको हिसाब के ऊपर किस चीज़ की जरूरत होती है, वो कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस कर पाएगा जिसके बदौलत इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाएगा, उसके अंतर्गत सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो टॉपिक आपका था न्यूट्रिशन का। ये टॉपिक सही में एक अहम टॉपिक है। बताया ये जाता है कि इस अर्थ पे अगर आपको रहना है तो आपको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आपको वो अपने भाषा में बताया जाए तो भोजन की आवश्यकता होगी, और उस भोजन को लेने के लिए हमें कोई ना कोई खाद्य पदार्थ को खाना पड़ता है, जिसे अगर हम स्टडी के तौर पे देखते हैं तो उसे न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन इट मीन्स कहने के लिए अगर इस अर्थ पे आपको सर्वाइव करना है तो आपको न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कोई भी चाहे वो जीव हो, सूक्ष्म छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोई भी जीव हो, उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, और उसी न्यूट्रिशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। जब इस न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है कि इस अर्थ पे इसकी जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, आखिर क्या बिना इस चीज का इस अर्थ पे कोई भी जीव सर्वाइव कर सकता है? अगर सर्वाइव करता है तो उस चीज के लिए जरूरी क्या है और क्यों पड़ा इस कोई भी जीव के लिए इस चीज का, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक्चुअली बात तो होती ये है कि जो बताया जाता है इस धरती पे जो जीव आया है उस जीव को ग्रोथ करनी होती है। ये धरती पे जो जीव आई है उस जीव के अंदर कुछ ना कुछ टूटी फूटी यानी टूट फूट होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर आता है। बताया ये जाता है, ये न्यूट्रिशन कहता है कि मैं उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम इस अर्थ के ऊपर आए, जिससे कि तुम अगर मुझे एक्सेप्ट करोगे यानी ग्रहण करोगे, अगर तुम यूटिलाइज हमें करोगे तो उससे तुमको जो होगा वो जो तुम्हारे अंदर त्रुटि जो होगी तुम्हारे तुमको बढ़ने के लिए वो सारी कमी को दूर की जाएगी, और साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ में भी ये जरूरी है। देखते हैं वो कैसे। तो पहली बात, कोई अगर हम न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो न्यूट्रिशन का दो ऑप्शन हम लोग के पास आते हैं कि ये जो होते हैं हम लोग के बॉडी को मेंटेनेंस करने का कार्य करता है, हम लोग के बॉडी को ग्रोथ कराने का कार्य करता है। जब इसके अंदर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूटिलाइजेशन। दो वर्ड आया है, प्रोड्यूसिंग एंड यूटिलाइजेशन। अगर हम प्रोड्यूसिंग का मतलब समझे तो उसका मतलब होता है उत्पादन करना, और यूटिलाइजेशन का बात करें तो उपयोग करना, यानी हम खुद उत्पादन करेंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे, ऐसा बात न्यूट्रिशन बोल रहा है। न्यूट्रिशन कहता है कि हम जो आएंगे तो तुम्हें हमें उत्पाद करना होगा और साथ ही साथ मेरा उपयोग करना होगा, चाहे वो अर्थ पे कोई भी जीव हो उसको ये सारी समस्या का हल खुद से सॉल्व करनी होती है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देख ले मानव जाति, जो कि इस अर्थ के ऊपर सबसे स्टेबल जाति के नाम से स्टेबल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जब इस जीव का बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, और क्रॉप का प्रोडक्शन करने के बाद उस क्रॉप को ऐसे थोड़ी होते हैं हम कहीं फेंक देते हैं ना, उसको प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम उसका टाइम टू टाइम जो है यूटिलाइज कर पाए, अर्थात हम लोग के बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके। और न्यूट्रिशन मिले तो क्यों, तो हम लोग एक बचपन में जब जन्म लिए थे उससे अभी कई गुना बड़ा है, इसका मतलब है कि हम अपने ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ हम लोग के बॉडी के अंदर जो कोई हार्मफुल आया है यानी कोई त्रुटि आया, मान लेते हैं चाहे वो कोई एक्सीडेंट के वजह से कोई कट लग जाए, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए रीजनरेशन करवाने के लिए इस चीज की जरूरत होती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये लेली कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। फिर ये कहती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है वो अपना भोजन तैयार करते कैसे। हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि इस अर्थ के ऊपर
कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर हम अपना बात करें तो सिर्फ मेरी ये जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, और हम ये भी जानते हैं कि हर एक डाइवर्सिटी को, हर एक डाइवर्सिटी के अंदर से हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें तो मेरा जन्म से मृत्यु हो जाएगा, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहरहाल अगर हम बात करें तो सिर्फ ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग से फूड के का यूटिलाइजेशन करने की होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अलग अलग फूड का यूटिलाइजेशन करके वो इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करती है। नेचर हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वे दिए हैं कि वो न्यूट्रिशन ले सके, वो उसका यूटिलाइज कर सके। हम मानव जाति जानते हैं कि धान चावल गेहूँ खा के अपना पेट भरते हैं, लेकिन अगर एक बात करें कोई जलीय जीव का, कोई अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल का, तो वो ऐसा नहीं होता है। एक्वेटिक एनिमल का बात करें तो हम इस बात को जानते हैं कि वो सर्वाइव करने के लिए एक अपना वे जो उसका होता है वो उस तरह से सर्वाइव करता है, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को वो खाने के बाद उसका यूज करता है। तो इसी तरह से बताया जाता है कि अलग अलग वे होते हैं, वो अलग अलग वे से अपना भोजन को तैयार करते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करेंगे, यानी स्टार्टिंग से करेंगे, वो कैसे हो रहा है, तो सभी को पता है कि जो एनर्जी का जो होता है, ये ऊर्जा की जो बात करते हैं, वो जनरली सभी जीव की रिक्वायरमेंट होती है। कहते हैं कॉमनली सभी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो उसी ऊर्जा को फुलफिल करने के लिए उसके पास अनेक रास्ते होते हैं, जिस अनेक रास्ते के द्वारा वो अपने उस ऊर्जा तक पहुंचती है, उस पोषक तत्व तक पहुंचने का कार्य करता है। बताया जाता है, हम इस बात को जानते हैं कि इस अर्थ पे अगर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म अर्थ बताती है कि हम इस